Hello everyone and welcome to the class on games and puzzles advanced for your DILR at the rate of CAD. So, guys, I'm your friend Sony Goel and in this video, we are going to solve 10 puzzles which can be very important for you for your CAD examination. See, uh, when we talk about games and puzzles, uh, you know these are the main type of games and puzzle which we always get. Uh, it's on either on residual value, or on the sticks or coin picking. They may be on the base of the weighing balance. Flower doubling is a very important and very, you know, famous concept uh, on which we get question many times. and logical puzzles are always you know uh, can be can be everyone's favorite so agar aapne bhaiya isse pehle you know the video jo maine do video launch kiya hua hai already upload kiya hua hai one is games and puzzles 2 and this is games and puzzle 1 ye actually video wo wala hai jo मैंने 15-20 मिनट ही कराया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी I remember I have to abrupt class uh, in between. और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा games and puzzle टू के नाम से video है ये इसमें कुछ क्वेश्चन कराए हैं इसमें काफी क्वेश्चन कराए गए हैं और इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन वाइट ई कैट प्लस सो बात करते हैं गेम्स एंड पजल्स की सी गेम्स एंड पजल्स डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बट जिस तरह का डी आई एल आर आ रहा है तो उसमें गेम्स एंड पजल का जो कॉन्सेप्ट है जो जो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट करते हैं वो भैया कभी ना कभी कैसे ना कैसे आपको अटक सकता है आ सकता है राइट और मैं हूं आपका दोस्त सोनी गोयल विद चैनल मिशन कैट और हम अभी बात कर रहे हैं गेम्स एंड पजल की तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या लिखा हुआ है टू प्लेयर्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ मैच ओके एनी प्लेयर कैन पिक वन टू और थ्री स्टिक्स इन हिस्स टर्न और हर टर्न भी हो सकता है ठीक है द टू प्लेयर्स हु पिक्स द लास्ट स्टिक ऑलवेज लूजेज क्या दिया भाई जो बंदा लास्ट स्टिक पिक कर रहा है वो हमेशा लूज करता है तो इस पजल में मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया आपको ये नोट करना होता है कि पहले तो कितनी स्टिक्स पिक की जा सकती है मिनिमम नंबर ऑफ स्टिक्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टिक्स दैट कैन भी पिकडाउ एक तो ये चीज पकड़नी होती है दूसरा क्या पकड़ना होता है कि भाई कौन बंदा जीतेगा कौन बंदा हारेगा ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट स्टिक पिक करने वाला जीत जाए और ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो बंदा लास्ट स्टिक पिक कर रहा है वो जीत रहा हो और जब वो हार रहा हो ना और हम हमेशा यही अज्यूम करते हैं कि दोनों प्लेयर इंटेलिजेंटली खेलते हैं Uh, Bhaskar Mohan Babaji Harjo Singh Ji, right? Uh, you know, welcome to this channel, and everyone, those who are joining us for the first time, they can type new. I will talk about, uh, you know, uh, 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 this uh, uh, Muskan Shah says, Sir, hello, sir, came across your channel two days back, only started off with ratio, loving it, wanted to know more about so 100. Yeah, you can talk to you know on this number. द नंबर गिवन ईयर फॉर मोर डिटेल्स तो भैया ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे अब क्वेश्चन क्या है ये तो उसने प्रीमाइज दे दिया हमें ठीक है प्रीमाइज आ गया इफ देयर वर टेन मैच स्टिक्स अगर दस मैच स्टिक्स होंगी टोटल में एंड ए स्टार्ट गेम ए भैया गेम स्टार्ट करेंगे हाउ मैनी शुड ही पिक इन हिज फर्स्ट मूव इन ऑर्डर टू इंश्योर ए विन ऑलवेज तो ए को कितनी पिक करनी चाहिए ताकि ए भैया की जीत ही हो ठीक है ए भैया की जीत हो तो भाई जो लास्ट स्टिक पिक करेगा वो हार जाएगा ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली गेम खेल सकते हैं अपने मम्मी के साथ पापा के साथ अंकल के साथ किसी के साथ भी खेल सकते हैं यू कैन प्ले दिस गेम सो हाउ हाउ वी कैन यू नो गो एड लेट अस सी देखो अस से मुस्कान विल बी प्लेइंग नहीं है सॉरी जो भी है हारने वाला बंदा बी बी को हारना है तो बी शुड पिक द लास्ट वन राइट ये बी ने पिक कर ली अब इसके बीच में जो टर्न होगी बी और ए की उसमें जो ए रहेगा वो इंटेलिजेंटली पिक करेगा बी कुछ भी पिक कर ले तो बी का अगर कुछ भी पिक है ए उसको इंटेलिजेंटली पिक करेगा ठीक है तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू वन है मैक्सिमम वैल्यू थ्री है तो इनका टोटल हो गया फोर ठीक है तो ये फोर फोर का पेयर बना लेंगे फोर का पेयर इधर बन गया फोर का पेयर इधर बन गया चार और चार का पेयर बन गया भाई इसके पहले जो पेयर बनेगा आप कितने बच गए तेरा नाइन सो वन बच गया सो जो एक ही टर्न होगी उसमें उसको वन पिक कर लेगा तो उसके बाद नाइन बच गए नाइन में से जो भी बी पिक करेगा ए उसको फोर कंप्लीट कर लेगा मान लो उसने वन पिक किया तो ये थ्री पिक करेगा टू पिक किया तो टू पिक करेगा थ्री पिक किया तो वन पिक करेगा ताकि सम फोर बन जाए क्योंकि फोर सम हमेशा यू कैन ऑलवेज मेक सम एज फोर और लास्ट वाला उसके लिए एक छोड़ दिया सो दैट ऑलवेज बी पिक्स अप द लास्ट एंड लूज इज इट सो भैया हमारा आंसर आ गया है क्या आंसर आ गया है माई आंसर इज ए एवरी गॉट इट एक आंसर आ गया भाई चलो आगे चलते हैं सेम क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इफ द ऑप्शन सेम क्वेश्चन है पहले पढ़ा पार्ट तो सेम ही है दूसरे वाले पार्ट में क्या चेंज आया हमारा कि ए गेम को शुरू कर रहा है और देयर आर टेन मैच स्टिक्स इफ द ऑप्शन ऑफ पिकिंग थ्री स्टिक्स इज नॉट एक्सरसाइजेबल हाउ मेनी पिक इन हिज फर्स्ट मूव इन ऑर्डर टू इंश्योर एविन तो भैया मतलब आ, आ, तीन वाला नहीं है तो वन और टू वाला ही है एक पिक कर सकता है या दो पिक कर सकता है तो तीन का तीन का बंडल बन गया तीन तीन तीन, तीन नाइन हो गई एक बच गई राइट right. अब स्टार्ट कौन कर रहा है ए स्टार्ट कर रहा है तो ए कुछ भी पिक करेगा ए कुछ भी पिक करेगा बी उसका तीन वाला कॉम्प्लीमेंट्री पिक कर लेगा ठीक है ऐसे ऐसे चलते तो ए को हारना ही होगा ए हैज टू लूज द गेम बिकॉज ए विल डेफिनेट दोनों लोग इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं ए भैया कुछ भी पिक कर ले ए हमेशा हारेगा ही हारेगा सो द आंसर इज ए कैन नेवर विन तो इसमें मैंने करवाया था कि अगर सम ऑफ द स्टिक्स प्लस वन होता है तो स्टार्ट करने वाला ही आखरी स्टिक जो है पिक करना पड़ता है उसको स्टार्ट करने वाले को ही आखिरी स्टिक पिक करनी पड़ती है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो हमारा आ गया क्या आंसर आ गया भाई क्या आंसर आ गया नन ऑफ दिस मतलब ही कैन नेवर विन ओके गाइज लेट्स गो द नेक्स्ट थिंग राइट सो टू प्लेयर्स ए एंड बी आर प्लेइंग ए गेम सेम हो गया ओके इन क्वेश्चन नंबर टू इफ इन हिज फर्स्ट चांस ए पिक्सअप टू देन हाउ मैनी वुड बी पिक इज इन द फर्स्ट मूव इन ऑर्डर टू विन क्योंकि भाई देखो अगर ए ने टू पिक किया है बी को हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पिक करना होगा वन पिक करना होगा सो बी ऑलवेज हैज़ टू पिक वन फिर टू वन हो जाएगा वट एवर राइट फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और लास्ट में एक बचेगी वो ए को ही पिक करनी पड़ेगी आई होप यू ऑड इट एवरी वन चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड फर्स्ट टाइम वेलकम माय डियर टू दिस चैनल या नाउ इफ देयर आर सिक्स मैच स्टिक्स एंड द रूल ऑफ द गेम वाज दैट एनी पिकिंग अप द लास्ट विन्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू सो ये वाला क्या हो गया यार एक क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन हो गए आपके सो देर इज वन क्वेश्चन एंड देर आर फोर क्वेश्चन विद इन द सेम क्वेश्चन द पर्सन हु कैन नेवर विन देखो भाई वन टू फोर है फोर वाला प्रॉ पॉइंट है फोर 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 राइट सो लास्ट जो पिक करेगा वो कभी नहीं जीत सकता ऐसा हो सकता है बिकॉज अगर ए कुछ भी पिक करेगा भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री पिक कर लेगा और लास्ट पिक करने वाला जीतेगा तो इसका मतलब जो स्टार्ट करेगा वो कभी नहीं जीत सकता बिल्कुल सही है यही है द पर्सन हु ऑलवेज पिक टू नॉट नेसेसरली द पर्सन वू प्ले सेकेंड कैन नेवर विन नहीं इन दोनों में से एक एक आ सकता है द पर्सन प्ले सेकंड ऑलवेज पिक्स वन नो द फर्स्ट इज द आंसर क्योंकि देखो फोर का प्लेयर बन गया ना और सिक्सटीन है तो हम कहेंगे भाई फोर 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 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो लास्ट वाला सेकेंड प्लेयर पिक करेगा सेकेंड प्लेयर विल बी द विनर इन दिस राइट आई होप यू ऑल गॉट दिस थिंग एंड वेलकम एवरी वन दोज है स्लेट और जो लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं

He then gives some flower to the second temple. Then in a way to the third temple is remaining, uh, right? Uh, uh, flowers uh, again becomes double by magic. At the last he gives all the remaining flower to the third temple. What is the number of flowers that the priest has in the beginning, right? So यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है ही हैज़ टू गिव अ सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स इन थ्री टेंपल्स ही गिव सम फ्लावर्स इन द फर्स्ट टेंपल फर्स्ट में वो कुछ पहले ही दे रहा है ठीक है और देन ही यू नो रिमेनिंग बिकम डबल बाय मैजिक सो जो भी वो स्टार्ट कर रहा है वैसे हमने इसका बताया था कि नंबर ऑफ़ टेम्पल्स राइट टू की पावर डबल हो रहे हैं ना तो इसकी नंबर ऑफ़ टेम्पल्स माइनस वन कर देंगे दिस विल बी वो कितने फ्लार से स्टार्ट करता है और टू रेज टू पार एन शुड बी द नंबर ऑफ फ्लावर्स ही शुड ऑफर तो वो सेवन से स्टार्ट करेगा राइट right? सेवन के डबल फोर्टीन हो जाएंगे फोर्टीन में से उसने एट ऑफर किए सो ही इज़ लेफ्ट विद सिक्स फ्लावर्स तो फिर सिक्स फ्लावर्स हो गए सिक्स के डबल हो गए ट्वेल्व ट्वेल्व में से उसने एट ऑफर किए ही इज़ लेफ्ट विद फोर नॉ फोर फ्लार्स आ गए उसके पास फोर के डबल एट हो गए एट में से एट ऑफ़र कर दिए आंसर आ गया ज़ीरो अब या तो ये क्वेश्चन हो सकता है ठीक है कि भाई उसने ऐसे ऐसे किया अब बट ये वाले डबलिंग का उसने हमें कुछ बताया नहीं है ना हैज नॉट टोल्ड अस अबाउट दिस डबलिंग तो हम इसको रिवर्स करके चलते हैं कि भाई यहाँ पे डबल नहीं हुए राइट तो उसके पास फोर्टीन ही फ्लावर्स थे राइट फोर्टीन फ्लावर्स थे उसके पास तो चौदह फ्लावर्स थे उसमें से आठ उसने ऑफर कर दिए ये लिखा है ना ही गेव सम द फर्स्ट टेम्पल ही इज लेफ्ट विद सिक्स फ्लावर्स देन इट्स गेट्स डबल ट्वेल्व हो गए इसमें से ही ऑफर्ड एट ही इज लेफ्ट विद फोर देन ही हैड हाउ मैनी फोर इट डॉट डबल एट सो ही वॉज लेफ्ट विद जीरो फ्लॉर तो हमारा जो रेशो आ गया वो फोर्टीन रेशो एट आ गया फोर्टीन रेशो एट आ गया तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे फोर्टीन रेशो एट आ गया मतलब सेवन टू भी चल सकता है राइट सेवन एंड टू भी चल सकता है सेवन एंड टू चलाएंगे तो क्या बनेगा देखो सेवन फ्लावर्स हैं उसमें से टू ऑफर कर दिए राइट सेवन एंड फोर सॉरी सेवन एंड फोर आएगा सेवन एंड फोर आएगा सॉरी सेवन में से फोर ऑफर कर दिए ही इज़ लेफ्ट विथ थ्री फ्लावर्स सो थ्री फ्लावर्स के सिक्स हो गए सिक्स में से फोर ऑफर कर दिए इज लेफ्ट विथ टू फ्लावर्स टू के फोर हो गए तो ही इज़ लेफ्ट विद ज़ीरो फ्लावर फोर में से फोर ऑफर किए सो वाट इज़ द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट फ्लेयर हैज़ इन द बिगनिंग इसका एक मिनिमम आंसर आएगा अदरवाइज द नंबर ऑफ आंसर विल बी पॉसिबल विच विल ऑलवेज बी इन द रेशो सेवन रेशो फोर आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऋती गुप्ता सर इज देयर एनी ऐप फॉर द मॉक टेस्ट येस बेटा देअर इज एन ऐप

ओके लेट्स गो हैड आगे चलते हैं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको वेरी गुड चलिए भाई सिमिलर क्वेश्चन है पढ़ो थोड़ा सा जस्ट रीड इट आउट क्या कह, रही कह रहा है ये ये हमें कह रहा है आई विजिट ए श्राइन वेयर आई प्लेस फ्लावर्स एट थ्री डिफरेंट टेंपल्स बिफोर विजिटिंग ईच टेंपल आई हैव टू स्विम थ्रू ए मैजिकल पॉन्ड माई पाथ इज पॉन टेम्पल वन पॉन टेम्पल टू पॉन टेम्पल थ्री इच टाइम आई स्विम इट गेट्स ट्रिपल्ड इट गेट्स ट्रिपल्ड एट द स्टार्ट ऑफ माई ट्रिप आई हैव सम फ्लॉर्स एट द एंड ऑफ ट्रिप आई हैव नो फ्लावर्स आई हैव टू प्लेस एन इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स एट ईच टेंपल वॉट इज द लीस्ट नंबर ऑफ फ्लार्स दैट आई कुड हैव बॉट एंड प्लेस एट ईच टेम्पल आई ओनली बाई एंड प्लेस होल नंबर ऑफ फ्लावर्स ओके सो इसमें अगर हम बात करेंगे तो थ्री रेज टू पावर थ्री माइनस वन थ्री एस टू पर थ्री माइनस वन कितना हो जाता है ट्वेंटी सेवन सिक्स सो ट्वेंटी सिक्स फ्लावर्स मेरे पास यू you नो know, मैं ऑफर करूँगा करूँगी या करूँगा ठीक है टू द टू दिस थिंग ठीक है ये ट्वेंटी सिक्स आ गया अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं राइट सो आई ट्राई विद यू नो ट्वेंटी सिक्स फ्लार्स राइट सो ट्रिपल करने के बाद ये सेवेंटी एट हो जाएंगे ठीक है सेवेंटी एट का हाफ होता है हमारा थर्टी uh, 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 नहीं उसमें हमने ऑफ़र किए थे पूरे आई एल ऑफ़र ट्वेंटी सेवन इंटू टू फिफ्टी फ़ोर फ्लावर्स आई शुड ऑफ़र ठीक है फिफ्टी फोर आई ऑफ़र सो वट आई एम लेफ्ट विद इज सेवेंटी एट माइनस दिस ट्वेंटी टू राइट ट्वेंटी टू फ्लावर्स सो ट्वेंटी टू फ्लार्स इफ़ आर देयर सो आउट ऑफ दैट आई ऑफ़र यू नो दिस बिकम सिक्सटी सिक्स

एटीन के बन के फिफ्टी फोर और फिफ्टी फोर में से फिफ्टी फोर ऑफर किए ये हमारा आ गया जो है ज़ीरो तो ट्वेंटी सिक्स रेशो फिफ्टी फोर आ गया बट हमें मिनिमम चाहिए तो हम कट कर देंगे थर्टीन रेशो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन फ्लार से मैं स्टार्ट करूँगा और थर्टीन आई विल बी यू नो सॉरी थर्टीन आई विल बी स्टार्टिंग विद एंड ट्वेंटी सेवन आई विल बी ऑफरिंग एट ईच ऑफ द टेम्पल राइट गॉट इट एवरी वन यस नो दोबारा देख लो थर्टीन सेवनटीन से आई स्टार्ट विथ थर्टीन इट बिकम्स थर्टी नाइन आई ऑफर ट्वेंटी सेवन आई एम लेफ्ट विथ ट्वेल्व फ्लावर्स सो ट्वेल्व को आई डबल इट बिकम्स थर्टी सिक्स आई ऑफर ट्वेंटी सेवन आई एम लेफ्ट विद नाइन सो नाइन को हमने ट्रिपल किया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन गए इसमें से आई एम लेफ्ट विथ नथिंग आई होप एवरी वन इज़ क्लियर विद दिस क्वेश्चन सो द आंसर फॉर दिस इज थर्टीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया दिस क्वेश्चन इज डन दिस इज आल्सो डन ओके नेक्स्ट इज द रेजिडुअल क्वेश्चन ये डबल डबल टाइप हो गया आई थिंक श्राइन वाला क्वेश्चन हो गया ना वॉट इज द लीस्ट नंबर ऑफ फ्लार्ज आई कुड हैव बॉट एंड प्लेस एट ईच टेम्पल आई ओनली बाई सो लीस्ट नंबर इज थर्टीन जब ट्रिपल कर रहे हैं तो थर्टीन आ रहा है मेरा बेटा देर आर सेवन थीस नेक्स्ट नेक्स्ट पजल रेजिडुअल वैल्यू ये मेरा फेवरेट है ठीक है ये मैंने बच्चों से भी पूछा राइट छोटे छोटे बच्चों से भी मैं जब कभी उनका सेशन लेता हूँ तो उनसे भी पूछता हूँ बड़ा मज़ा आता है दे नो आंसर वेरी एंथुजियास्टिकली सो उनको फॉर्मूला तो नहीं पता होता बट दे कीप आंसरिंग यू नो एंड दे सम हाउ रीच टू द सम हाउ रीच टू दू नो रियल नंबर सम हाउ दे रीच टू द एक्चुअल नंबर राइट सो लेट लेट एस सी इफ यू कैन गेट द आंसर राइट सो सात थीव्स हैं सात चोर हैं भाई सात चोर इकट्ठे हो गए हैं तो सात चोर क्या कर रहे हैं they steal diamonds for a merchant run away in a jungle and uh, what they find is uh, while running night sets in okay everyone steps uh, you know okay okay blah 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 okay to woh bhai so jate hain raat ko aur do log uthte hain aapas mein divide karke dekhte hain ki ek bach raha hai right और तीन लोग divide करते हैं तो भी एक बच जाता है ऐसे 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 करते हैं एक बच जाता है बट जब सातों के सातों डिवाइड करते हैं तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली तो अगर मैं इसको इस क्वेश्चन को अगर हम यू नो ऑफिशियली करें मैथमेटिकली तो देयर इज अ नंबर एन विच इज़ डिविजिबल बाय सेवन विच वैन डिवाइडेड बाय सिक्स गिव्स रिमाइंडर वन विच वैन डिवाइडेड बाय फाइव गिव्स रिमाइंडर अगेन वन बाय फोर अगेन इट गिव्स रिमाइंडर वन विच वैन डिवाइडेड बाय टू ऑल्सो गिव्स रिमाइंडर वन सो दिस नंबर कीप्स ऑन गिविंग यू रिमाइंडर्स बट विद सेवन इट इज़ कंप्लीटली डिविजिबल राइट right? सेवन के साथ ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है ठीक है सो so, कौन सा नंबर होगा ये वट विल बी दिस वट वट विल बी दिस नंबर तो ये हमें नंबर बताना है भाई कौन सा नंबर होगा ये हमारा ठीक है तो so, अब इसको कैसे करेंगे पहले इनका एल्शियम ले लो कैन वी टेक एल्शियम ऑफ दिस नंबर लेट लेटस टेक एल्शियम ऑफ द नंबर तो हमारा एल्शियम का नंबर इन सभी नंबरों का वन टू थ्री फोर कैल्शियम क्या आ गया इनका एल्शियम आ जाएगा मेरा बच्चा सिक्सटी ठीक है तो सिक्सटी एल्शियम आ गया 60 is a number which, when divided by 2, 3, 4, 5, 6, is completely divisible. So, plus 1 kar denge, to my number will be 61. But 61 is not divisible by 7. So, this cannot be the answer. Okay. Can it be 121? Next higher number? No, not possible. Because again, it is not divisible by 7. 181, is it divisible by 7? No. 241, is it divisible by 7? No. थ्री जीरोस सो थ्री जीरो वन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गोट इट एवरी वन बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया आ गया तो बच्चा लोग तले भी जाएंगे <laughs> चलो भाई कोई बात नहीं अच्छी बात है ये अच्छा क्वेश्चन है कैट टाइप्स क्वेश्चन है ओके यू हैव सेट ऑफ फोर वेट्स फॉर अ वेइंग बैलेंस वट शुड बी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ़ द वेट्स सो दे कैन मेजर अप टू वन टू फोर्टी के जी सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज़ बींग आस्ड बाई यू नो एल्डर्स टू मैनी ऑफ द यंग वन के भाई एक से ले कर चालीस तक आ, आ, हम वे कर सकते हैं इसको लोकल भाषा में वर्नैकुलर में मन बोलते हैं एक मन वन मन इज इक्वल टू फोर्टी के जी के चार ऐसे वेट्स बताओ जिससे हम एक से ले कर चालीस तक वे कर सकते हैं तो इसका फंडा क्या होता है यू टेक एक्स एंड वाई एस टू वेट सो विद एक्स यू कैन वे एक्स के जी विद वाई यू कैन वे वाई के जी विद एक्स प्लस वाई यू कैन वे एक्स प्लस वाई के जी राइट सो आप कौन से चार वेट वे कर सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स वाई और एक्स प्लस वाई सो देर कैन बी फोर वेट दैट कैन बी वेड यूजिंग दिस ठीक हो गया तो पहले चार कवर हो गए वन टू थ्री फोर अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई सबसे बड़ा नंबर ये है तो एक्स प्लस वाई मेरा फोर हो गया एक्स प्लस वाई फोर हो गया तो एक्स और वाई दो दो हो सकते हैं दो दो होंगे तो बाकी पॉसिबल नहीं है एक्स माइनस वाई जो है हमारा टू हो गया ठीक है एक्स वन हो गया वाई जो है आपका थ्री हो गया जब उल्टा लगा लो कुछ भी लगा लो उसमें दो ये वाई लगा लो ये एक्स लगा लो कोई बात नहीं है तो वन एंड थ्री दो वेट आ गए मेरे ठीक है वन थ्री से मैं कहाँ तक मेज़र कर सकता हूँ फोर तक मेज़र कर सकता हूँ ठीक है सो so नेक्स्ट जो मेरा वेट आएगा वो फोर तक तो मैंने वेट कर लिया अब मेरे अगले पाँच नंबर वे हो जाएँ तो नेक्स्ट वेट मैं लूँगा नाइन ठीक है सो माई वेट शुड बी वन थ्री नाइन क्या क्या होंगे वन थ्री नाइन एंड ट्वेंटी सेवन तीन के मल्टीपल आएंगे ये ठीक है दीज ऑल विल बी मल्टीपल ऑफ थ्री तो ये फोर्टी याद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर ये एट्टी वन ले लें नेक्स्ट तो वन ट्वेंटी वन के जी तक यू कैन वे यूजिंग ऑल वन और सम ऑफ दीज नंबर्स राइट ओके सो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं आई होप यू एंजॉयड दिस वॉज लॉजिकल गेम्स एंड पजल्स लॉजिकल पजल्स फॉर कैट डी आई एल आर इसके पहले टू हंड्रेड वीडियोज आर ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट यू कैन वॉच दैम और उन वीडियो को आप अपने दोस्तों को भाई बंधु को सखा सहेली को सबको रिकमेंड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो